इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन यानी 7 करोड़ को पार कर गई। इसके साथ ही पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए। पीएम मोदी से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ट्रंप को करीब 8,87,00,000 लोग फॉलो कर रहे थे। तब दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम दूसरे स्थान पर था। उस वक्त पीएम मोदी 6,47,00,000 फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर थे। अब पीएम मोदी के फॉलोअर्स बढ़कर 7 करोड़ के पार चले गए हैं। दुनिया के नेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से काफी ज्यादा है। बाइडेन के 3,09,00,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि उनकी जूनियर यानी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के 1,86,00,000 फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर देश के नेताओं में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई नहीं टिकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2,28,00,000 फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ट्विटर पर 1,94,00,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं इन दिनों सियासी जमीन पर पीएम मोदी को टक्कर देने की कोशिश में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 60,00,000 है। प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट की बात हुई तो आपको दिखाते हैं पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से कितना खूबसूरत एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो गुजरात के भावनगर के ब्लैक बक नेशनल पार्क का है। इस तस्वीर को देखकर इसकी तारीफ करने से प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने सड़क को क्रॉस कर रहे ब्लैक बक की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, एक्सेलेंट। 3,000 से ज्यादा है इन ब्लैक बक की संख्या। उछलते कूदते ये हिरन एक के बाद एक रास्ते को पार कर रहे हैं। इस तरह के हिरणों का वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण दिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।